पांच राज्यों में चुनाव और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के बीच 2020 के बाद से संबंध, ये काफ़ी चर्चा में है। इन चर्चाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अपने एजेंडे से ज़रा सा भी भटकी तो उसे सत्ता से हाथ गंवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी अक्सर समझौता करने के लिए तैयार रहती है, और इसके पीछे की रणनीति भी है कि नीतीश कुमार उस समझौते के बिना सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये समझौता है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला एजेंडा, खास करके अब जबकि नीतीश कुमार 2020 में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गए हैं, कमज़ोर हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एजेंडे को सार्वजनिक करती रही है और बात भी करती रही है। हालांकि 2014 में जब सत्ता में केंद्र में आई भारतीय जनता पार्टी तो उसने अपने बहुत सारे एजेंडे जो कि उसके चुनावी एजेंडे थे उससे उसको किनारा करना पड़ता था एनडीए के तहत, नीतीश कुमार के डर से कह लिए या नीतीश कुमार के कारण, उन एजेंडों पर अब अमल करना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे एजेंडों पर उसने फतेह भी हासिल कर लिया है। अब जबकि एक मुद्दा बहुत तेज़ी से सामने आया होगा, आपने भी सुना होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के और वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में टकराहट है। अब इस मुद्दे पर जहां एक तरफ जातीय जनगणना कराने से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने इनकार कर दिया है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह लगातार मुखर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जब वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्राचीर से झंडोत्तोलन के बाद भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहद ही चिंता जताई थी और कहा था कि ये कानून बहुत ज़रूरी है। अब बिहार के कृषि मंत्री और नीतीश सरकार में मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में हिंदू समुदाय की आबादी घट रही है और मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के बिना नहीं संभव है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जब भी मुसलमानों की आबादी बढ़ी और हिंदू आबादी कम हुई है, देश अलग होने की ओर बढ़ा है। हमने देखा है कि राज्य के सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तदनुसार कई गांवों में हिंदू आबादी घट रही है। यहां एक खतरनाक प्रथा चल रही है जो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए ये कितना मुश्किल होगा, भारतीय जनता पार्टी का ये बयान और भारतीय जनता पार्टी का इस बयान पर नीतीश कुमार किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीधी तौर पे अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का क्रियान्वयन ही इस प्रवृत्ति को रोकने का एकमात्र तरीका है। जनसंख्या नियंत्रण जाति आधारित जनगणना से अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार के उस जातीय जनगणना को लेकर के। सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दल केवल जाति आधारित जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, वे एक विशेष समुदाय की तीव्र जनसंख्या वृद्धि को लेकर विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा मुद्दा है जिसे देश में भाजपा द्वारा बार बार उठाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जदयू और HS जैसे गठबंधन सहयोगी जनसंख्या नियंत्रण पर किसी भी कानून के लिए के खिलाफ नज़र आते हैं। वे हमारे जाति आधारित जनगणना की वकालत करते हैं, जबकि इन दोनों पार्टियों के एक भी विधायक या मंत्री ने किसी खास समुदाय की बढ़ती आबादी पर कोई बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार मुसलमान बिरादरी या कहा जाए तो अल्पसंख्यक समाज के से दूर होते जा रहे हैं और इसका कारण आप समझ ही रहे हैं। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सीधी तौर पे जनता दल यूनाइटेड को जनसंख्या नियंत्रण कानून में साथ आने की बात कही है और वहीं जातीय जनगणना को सिरे से खारिज किया है। अब देखना होगा कि अमरेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से किस तरह के बयान सामने आते हैं। क्या अमरेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता बच जाता है, कोई मुश्किलें सामने आएंगी, या फिर नीतीश कुमार चुपचाप से इस बयान को सुन करके और अनसुना कर देंगे। भाजपा का यह बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को ले डूबेगा यदि नीतीश कुमार इस पर गौर नहीं किए तो। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।